रही है, ये रही है, ये मेरे लिए है, आपने लिए क्यों लिए फिर आपने लिए। सब ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। आज बहुत खुश लग रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि ये देखो कुछ आया है। तो क्या आया है जल्दी से आपको दिखाता हूँ, सरप्राइज है। बट टाइटल में तो देख ही लिया हूँ, लेकिन इसके चीज़ें पीछे काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा, तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है। सो एक्साइटमेंट में बहुत तेज़ बोल दिया, तो पहले फटाफट से पानी पी लेते हैं ताकि एनर्जी वापस गेन कर ले। ओपन एक बार कर चुका हूँ, बट आपको दिखाने के लिए और थोड़ा ड्रामेटिक बनाने के लिए तो इसको हम खुद पढ़ेंगे। तो है ये iPhone 11। सो अभी आप लोगों को पता होगा कि ये कहाँ से आया है, जैसे कि अभी सारे अवेयर हैं इस बारे में कि Amazon पे बहुत ज़बरदस्त सेल शुरू हुई थी जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो उसमें एक मेरा भी था तो मैंने भी परचेज कर लिया। तो फटाफट से इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में कुछ बात करूँगा, रिव्यू नहीं करूँगा क्योंकि रिव्यू बहुत लोगों ने किया हुआ है, आप सब ने देखा भी हुआ है। तो बट ये बॉक्स थोड़ा अलग है, इसमें अलग क्या है आपको दिखाता हूँ एक एक करके मैं। अब मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बैंगलोर में होती है, बैंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से बहुत से लोगों के किडनियाँ बच गई हैं, क्योंकि अब इसको ख़रीदने के लिए किडनी नहीं बेचनी पड़ती, तो हमने भी नहीं बेची किडनी, देख लो सही है एकदम। सो इसको एक बार ओपन करें, वाह, क्या सफा चट बॉक्स है। सो आप सब लोगों के सामने रैपर मैं उतार चुका हूं, उसके बाद एक बार वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। सो ये है फोन, देख लो एक बार। ये बॉक्स थोड़ा अलग है, जब से इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के बैंगलोर में हो रही है तो उसके साथ ये हमें चार्जर और ईयरपॉड्स जो पहले नहीं दिए जाते थे वो भी दिए जा रहे हैं, और साथ में चार्जिंग वायर, तो ये सब कुछ मिल रहा है। पहले सिर्फ ये मिल रहा था, ये दोनों नहीं मिल रहे थे, तो जिसका कोई यूज़ नहीं होता, इसके ऊपर 3,000-4,000 फिर से खर्चने पड़ते थे, बट अब नहीं खर्चने पड़ रहे हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, हेलो सिम इजेक्टर टूल और थोड़े से स्टिकर्स। मैंने आईफोन वापस क्यों परचेज किया, बेसिकली सबसे पहले मेरे पास था iPhone 6s, पहले जो लास्ट मेरे पास था आईफोन, लेकिन मेरा मत्था दिमाग सनक गया और मैंने आईफोन से स्विच कर लिया एंड्रॉयड के ऊपर, बट वो मज़ा नहीं आया जो मुझे आईफोन यूज़ करने में आता था। सेल में काफ़ी सस्ता पड़ गया। ओके वो कहाँ है, सिम का डलनी भी है या नहीं डलनी, हाँ ये रहा। सो सेल के अंदर बहुत सस्ता पड़ गया, जैसा कि बहुत से लोगों ने भी परचेज़ किया है, और जैसा मैंने चेक किया था 16 को ये सेल शुरू हुई थी और 16 को 3 या 4 घंटे में ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो उसके बाद जो ऑर्डर हो रहे थे वो आपके पास 5-6 दिन बाद डिलीवर होता था। सो अपने पास हो गया अब डिलीवर, अभी घर पे किसी को नहीं पता है, सबके लिए सरप्राइज़ है, तो एक बार ना सबकी रिएक्शन कैप्चर करेंगे कि क्या रिएक्शन आता है ये फ़ोन देख के। तो अभी किसी को नहीं दिखा रहा मैं, अभी टाइम हो रहा है 5:30,
जब 6:30-7 बज जाएंगे, प्रिया ऑफिस से आ जाएगी, प्रिया और मम्मी को दोनों को सरप्राइज दिखाएंगे, अभी किसी को नहीं दिखाना है, तो वेट करो, तब तक वेट करो यार, और क्या करोगे, चलो इंतजार करो। सो भाइयों, मम्मी और वाइफ एक साथ ही हैं, तो फटाफट से ले चलते हैं नीचे और उनको एक दिखाते हैं सरप्राइज। चलो, उनको नहीं पता इस बारे में कुछ भी। कुछ नहीं, ऐसे ही है, फोटो खींच रहा था। 1688 ईस्वी में नाइन जनवरी, ये लिया मैंने, फोन लिया मैंने, ये मेरे लिए है, किसका है? अच्छा, तेरे लिए है, मेरे लिए है, ये किसका? ये मैंने लिया नहीं, आपने लिए को लिया, फिर आपने ये, तो बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। अरे मम्मी वाव नहीं है, मेरे लिए तो वाव होगा, होता नहीं, खुद के लिए लिए थे। मुझे भी नहीं बताया, नहीं ये सरप्राइज था, ये सरप्राइज देना था कि शौक देना था? सरप्राइज और शौक है ये आपके लिए शौक है, मेरे लिए सरप्राइज है सही है, अच्छा है। पीछे से देखो, आगे से आईफोन 11, मैं पछता रहा था ना आईफोन से वन प्लस पे आने पे, तो इसलिए मैंने दोबारा से आईफोन ले लिया। तो सबको भी पसंद आया फोन, तो एक बार ना मैं आपको अपना पुराना आईफोन दिखाता हूँ कि वो जौन सा पड़ा होता है वो क्या है। मेरे लिए, मेरे मेरे पास क्या है, मेरे लिए क्या गिफ्ट लिया है? तेरे लिए बर्थडे, तेरा आ जाएगा देखेंगे, तो बर्थडे चल जाएगा, जब आएगा देखेंगे तब क्या होगा। तो ये पहला मेरा आईफोन था, ये है 6S, अभी भी एकदम न्यू कंडीशन में है, इसको हो गए हैं 4 साल हो चुके हैं, तो बट इसके बाद मैंने वन प्लस पे चेंज कर लिया, लेकिन मज़ा नहीं आया, तो लेटर अब दोबारा से मैंने आईफोन पे कर लिया है, तो वो बहुत मज़ा आया है। सो अच्छा चल रहा है, अभी चलते हैं, इसके ऊपर टेम्पर लगवाना है, तो वीडियो को यहीं पे बंद कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन नहीं, एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं टेम्पर लगवाते हैं, फिर बात करते हैं। सो फाइनली अब टेम्पर वेम्पर लग चुका है अच्छे से, और एक बार अपडेट हो रहा है, तो अब आप इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक हमारा गोप्रो नहीं आता तब तक इससे ब्लॉग करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, जो नहीं पसंद आया डिसलाइक करना है कर देना, नहीं तो कमेंट कर देना, ताकि मैं आगे उसको इम्प्रूव कर सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय बाय।